तो अभी दोस्तों हमारे हाथों में है छोटे से फोन का एक छोटा सा बॉक्स। तो गाइस आप लोग सोचिए कि बॉक्स इतना छोटा है तो फोन कितना छोटा होगा, जिसकी आज हम लोग अनबॉक्सिंग एंड टेस्टिंग करने वाले हैं। तो बिना स्किप करे वीडियो को एंड तक देखिएगा, नए आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप ज्यादा टाइम न लेते हुए चलिए आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस मैं आपको फोन को कंपेयर करके दिखा देता हूँ कि इसकी साइज कितनी है। तो यहाँ पर गाइस हमारे पास एक बॉल पेन, और यहाँ पर गाइस देखो आप लोग, तो बॉल पेन से दोस्तों ये जो बॉक्स है वो कितना छोटा है, मतलब कि यहाँ पर ढक्कन निकाल दे हम लोग तो आप लोग गाइस देख सकते हो बॉल पेन से भी गाइस ये जो फोन का बॉक्स है वो छोटा है, तो मतलब की फोन तो इससे भी छोटा होगा। तो यहाँ पर गाइस हम लोग बॉक्स को निकालते हैं बाहर। ये मेरे ख्याल से मेरे हाथ में पहला ऐसा फोन आया होगा जिसका बॉक्स गाइस मेटल का है। ऊपर का दोस्तों जो कवर है वो मतलब की पेपर का था, कागज का है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों जो बॉक्स है वो मतलब कि मेटल का है, काफी सही है। यहाँ पर बॉक्स के ऊपर दोस्तों आप लोग देखोगे तो फोन के कुछ फीचर्स के बारे में बताया गया है कि फोन में क्या क्या मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों बॉक्स हो चुका है ओपन, और देखते हैं कि क्या क्या हमें इसके अंदर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर गाइस देखो, सबसे पहले तो हमें फोन देखने को मिल गया। देखो यहाँ पर कितना छोटा फोन है, इसको रखता हूँ अभी साइड में, और इसको भी रखता हूँ अभी साइड में क्योंकि इसकी अभी जरूरत नहीं हमें। यहाँ पर दोस्तों अभी हमें एक चार्जिंग केबल देखने को मिल रहा है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें एक छोटी सी बैटरी देखने को मिल जाती है, हमें दोस्तों यूजर मैनुअल और वारंटी कार्ड भी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर गाइस अभी आपको फोन दिखाते हैं कि फोन कैसा है। तो यहाँ पर देखो ये गाइस सिल्वर कलर में हमें एक छोटू सा फोन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर दोस्तों इस फोन को मैं अपनी उंगली से कंपेयर करूँ तो आप लोग देखो मेरी उंगली से भी छोटा है, और यहाँ पर दोस्तों पेन से कंपेयर करें तो गाइस बॉक्स तो बड़ा था लेकिन फोन देखो आप लोग कितना छोटा है। यहाँ पर दोस्तों हमें देखने को मिलती है ब्रांडिंग कैचोरा कंपनी की। यहाँ पर दोस्तों हम लोगों के यहाँ पर स्पीकर ग्रिल जैसा दिया गया है, लेकिन यहाँ पर स्पीकर ग्रिल नहीं है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। और यहाँ पर कैचोरा की ब्रांडिंग A26 दोस्तों इसके ऊपर लिखा हुआ है। और यहाँ पर हमें नीचे की साइड में चार्जिंग पोर्ट और माइक देखने को मिल जाता है कॉलिंग का, और यहाँ पर भी हमें एक माइक देखने को मिलता है, स्पीकर देखने को मिलता है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर हमें कोई भी चीज देखने को मिलती नहीं है, ईयरफोन के लिए भी हमें कोई पोर्ट देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर दोस्तों फोन को अगर किचन में लटकाना है तो यहाँ पर हम लोग लटका सकते हैं। तो यहाँ पर इसको हम ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद दोस्तों हम लोग इसमें क्या क्या कनेक्ट कर सकते हैं आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर दोस्तों हम लोगों को दो सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड लगाने का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर इसको ओपन करके मैं आपको दिखा दूँ, तो यहाँ पर दोस्तों ये है सिम कार्ड के लिए, ये भी है गाइस सिम कार्ड के लिए। तो मेमोरी कार्ड का कहाँ पे देखने को मिलेगा वो मैं आपको बताता हूँ। मेमोरी कार्ड का दोस्तों जो स्लॉट है वो यहाँ पर अंदर की साइड में दिया गया है, मतलब कि इसमें दो सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड हम लोग लगा सकते हैं, जो कि मेरे ख्याल से दोस्तों काफी सही बात है। भाई साहब इस छोटे से फोन में हमें कमाल के फीचर देखने को मिल जाते हैं गाइस, दो सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड इसमें हम लोग लगा सकते हैं। वैसे इसकी फोन की जो स्टोरेज है वो ज्यादा तो नहीं होगी, इसलिए दोस्तों यहाँ पर हमें मेमोरी कार्ड को लगाने का ऑप्शन मिलता है जो की सबसे अच्छी बात है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम लोग इसमें डालेंगे बैटरी और ऑन करके आपको दिखा देते हैं, उसके बाद दोस्तों कॉलिंग को भी टेस्ट करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों को कुछ इतनी छोटी बैटरी देखने को मिलती है, 800 mAh की बैटरी यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों इसको कनेक्ट करते हैं, बाकी चीजों को रखते हैं साइड में, और यहाँ पर दोस्तों हम लोग फोन को करते हैं ऑन। तो यहाँ पर दोस्तों हमें जो डिस्प्ले देखने को मिलती है वो 0.66 इंच की देखने को मिलती है, और यहाँ पर दोस्तों जो अंदर की स्क्रीन है वो मतलब की ब्लैक एंड व्हाइट है, आप लोग देखो कलर वाली स्क्रीन देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पर हम लोगों को क्या और देखने को मिलता है, यहाँ पर BT डायलर भी देखने को मिल जाता है, उसके बाद यहाँ पर कॉन्टेक्ट देखने को मिल जाते हैं, रिकॉर्डर, इसमें रिकॉर्डर भी हमें देखने को मिल जाता है, FM, मेमोरी कार्ड एंड सिम कार्ड लगा के चेक करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने सिम कार्ड लगा दिया है, और यहाँ पर हम लोग लगा रहे हैं मेमोरी कार्ड को, और कुछ इस तरीके से दोस्तों जो मेमोरी कार्ड है वो लग जाती है, और इसके नीचे एक और सिम लगता है जैसा कि मैंने आपको आगे बताया था। अभी चलिए दोस्तों फोन को फटाफट करते हैं ऑन। तो यहाँ पर दोस्तों फोन को कर दिया है ओपन, और यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इसका साउंड टेस्ट करते हैं, और यहाँ पर गाइस ढूंढते हैं हम लोग म्यूजिक को जिसके अंदर हम लोगों ने सॉन्ग रखा है, एक नॉन कॉपीराइट प्ले कर दिया मैंने। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग इसके साउंड को बढ़ा सकते हैं, अभी केवल ये जो साउंड है गाइस वो 2 पे बज रहा है, तो वैसे ये 2 पे है, और यहाँ पर हम लोग थोड़ी सी आवाज बढ़ाते हैं, फुल कर देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग इस फोन से इस फोन में कॉल करते हैं, और आपको भी सुनाते हैं दोस्तों कॉलिंग कैसी होती है इसमें। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले अपना जो नंबर है वो इसमें डाल दिया मैंने। तो यहाँ पर दोस्तों मैं इसमें बोलता हूँ अपने इस फोन में, और आपको इसकी वॉइस क्वालिटी सुनाता हूँ। ये रहा फोन जो कि माइक के पीछे चिप जा रहा है। हेलो 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 हेलो
आप लोग कैसे सुन सकते हो कि आवाज आप लोगों को आ रही होगी, और कैसे इसमें बोलते हैं और इसमें इसकी वॉइस सुनते हैं कि इसमें माइक कैसा है। हेलो हेलो। तो गाइस इसकी जो वॉइस क्वालिटी मतलब कि कॉलिंग की जो क्वालिटी वो भी काफ़ी सही है, इसमें काफ़ी सही से ऑडियो आ रही है और काफ़ी सही से भाई बात भी हम लोग कर पा रहे हैं। तो भाई छोटू सा फ़ोन है लेकिन बड़ा धमाका हम लोग कह सकते हैं, काफ़ी सही फ़ोन है। तो देखो गाइस कुछ ऐसा है छोटू सा फ़ोन, अनबॉक्सिंग भी हम लोगों ने कर ली, आपको भी पसंद आई होगी। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में, और हाँ दोस्तों आप में से किसी को ये फ़ोन लेना हो तो अगर ये ऑनलाइन अवेलेबल होगा तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो बस यही था इस वीडियो में, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।